गैलरी एप्लीकेशन के प्राइवेट फाइल अगर आपका सीक्रेट एल्बम में शो हो रहा है और उस फाइल को अगर आप यहाँ पे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, प्ले नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फोटो हो वीडियो हो, तो कुछ स्टेप को दोस्तों अगर आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा तो फॉलो करने के बाद जो भी आपका फाइल यहाँ पे करप्ट हो चुका है उसको आप यहाँ पे रिकवर कर पाइएगा। इसके लिए आपको 3 से 4 स्टेप को फॉलो करना है। जिस स्टेप में आपका जैसे रिकवर होते जाएगा उसको आपको निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने बाद एल्बम वाले सेक्शन में जाना, इस प्रकार से स्क्रॉल करना है और जो भी पासवर्ड वो डाल लेना, जो भी फोटो वीडियो अगर शो होगा तो उसको गैलरी एप्लीकेशन में निकाल लेना है। 3 डॉट में जाना है और 3 डॉट में जाने में सेटिंग में जाना है। अगर Xiaomi क्लाउड अगर देखने को मिलता है तो इसको आपको बैकअप को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद और भी आपको यहाँ पे प्राइवेट एल्बम में जो फोटो वीडियो देखने को मिल जाएंगे उसको भी निकाल लेना है। देन आपको वाईफाई को ऑन कर लेना है और वाईफाई को ऑन करने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद प्राइवेट एल्बम वाला फोल्डर कहाँ पे मिलता है, तो फोल्डर में जाने MIUI में जाइएगा, देन गैलरी में जाइएगा, क्लाउड में जाइएगा। और क्लाउड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सीक्रेट फाइल में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा और जितने भी फोटो वीडियो आपने प्राइवेट एल्बम में डाल के रखे थे वो टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो फोटो होगा उसके लास्ट में .sa लिखा हुआ नजर आएगा और जो वीडियो होगा उसमें .isa लिखा हुआ नजर आएगा। पर आप जैसे मान लीजिए कि मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज ओपन नहीं होता है, बैक हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे वीडियो को ओपन करना है तो वीडियो भी यहाँ पे ओपन नहीं होता है, वीडियो को ओपन करने का ऑप्शन भी शो नहीं होता और इस वीडियो को आप यहाँ पे प्ले नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे बात करते हैं कि ये जो भी फाइल है इसमें कैसे आप इसको रिकवर कर पाइएगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां से बैक हो जाना है। जब आप यहां से बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम एप्स एडिटर में जाना है और गैलरी का एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, इसको अपडेट कर लेना है। ये वर्सन है 3.4.1.3, इस वर्सन को आप यहां पर अपडेट कर ले। तो आप यहां पे देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। अपडेट होने पर गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर फिर से एल्बम में जाना है, एल्बम में जाने पर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने पर पासवर्ड डालना है। अगर फोटो वीडियो आपको और देखने को मिला है तो इसको भी निकाल लेना है। 3 डॉट में जाइएगा, सेटिंग में जाइएगा तो आपको यहाँ पे गूगल फोटो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, फिर उसी फोल्डर में जाना है, MIUI में जाइए, देन आपको यहाँ पे गैलरी में जाना है, क्लाउड में जाना है, सीक्रेट एल्बम में जाना है और जो भी यहाँ पे फोटो वीडियो दिख रहा है जो मैंने बताया है, जैसे मान लीजिए कि जिसमें ISA लिखा हुआ है डॉट में, उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस जो रीनेम है इसको छोटा कर लेना है, रीनेम में जाके छोटा कर लेना और इसको MP4 कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। फिर नीचे में ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक करें, फिर से सिलेक्ट करें, रीनेम में आपको जाना है। जैसे अभी देख सकते हैं जैसे सिलेक्ट करूँगा मोर में जाऊँगा, रीनेम में जाऊँगा और इस फाइल को आपको सॉर्ट कर लेना है और ये ISA है, इसको भी मैं यहाँ पे MP4 कर लेता हूँ, देन ओके पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसी प्रकार जो भी इमेज होगा उसमें आपको .sa लिखा हुआ नजर आएगा तो उसमें रीनेम में आपको लिख देना है JPG या आप वहाँ पे PNG भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये पूरा प्रोसेस मैं यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ। 3 से 4 यहाँ पर जो भी फाइल देखने को मिल रहा है उसके नेम को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कुछ नेम को मैंने यहां पे चेंज कर दिया है। अब यहां पे वीडियो को प्ले करूंगा तो वीडियो को प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और JPG भी अभी अब वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका वर्क करे तो आपको क्या करना है, उसको निकाल लेना है। उसके बाद आपको VLC प्लेयर जो मिलेगा उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या आप GetApp से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार बैक हो जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने में नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद मी अकाउंट में जाना है। मी अकाउंट को आप कोई भी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर ले, देन आपको Xiaomi क्लाउड पे क्लिक करना है। नीचे में आपको एक गैलरी वाला ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका ये ऑन किया हुआ रहेगा तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक बैकअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको प्राइवेट एल्बम अगर ऑफ रहेगा तो उसको ऑन कर लेना है। तो बहुत से यूज़र को देखने को मिल जाता है, नहीं देखने को मिलता है तो देन आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज वाला ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी अभी भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, तो व्यू डिटेल में जाए, देन आपको व्यू आइटम क्लाउड में जाना है और देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, गैलरी जैसे देखने को मिल रहा है तो गैलरी पर क्लिक करें और गैलरी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट्सएप SMS से यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको कर लेना है।
जो भी ओटीपी आएगा वो डाल देना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट में जाइएगा, प्राइवेट एल्बम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसमें आपको और भी फोटो देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी अपना डाल देना है, पासवर्ड डाल लेना है और लॉगिन के प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। बस दोस्तों आपको ये काम कर लेना है और वाईफाई आपका यहाँ पे ऑन होना चाहिए और लगभग आपको 15 से 20 मिनट वेट करना है। देन आपको क्या करना है, वीएलसी प्लेयर को ओपन कर लेना है और ये जो परमिशन आपको दिख रहा है इस परमिशन को अलाउ कर देना है। मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ और अलाउ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी करप्टेड फाइल होगा, जो भी फाइल होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए मैंने जो चेंज किया था वो यहाँ पे वीडियो देखने को मिल रहा है, दो तीन वीडियो मैंने चेंज किया था, तीनों वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है, फोल्डर में जाना है, देन उसी फोल्डर में जाऊँगा और जाने के बाद सबसे पहले एक वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा और वी एल सी यहाँ पे दिखेगा, इसको प्ले कर दूंगा। ये देख सकते हैं ये जो वीडियो है यहाँ पे प्ले हो रहा है और ऑडियो भी सुनने को मिल रहा है। उसी प्रकार और भी वीडियो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पूरा फाइल रिकवर नहीं होता है, पर जो भी फाइल अगर आपका रिकवर हो रहा है उसको कैसे फिर आप निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं ये भी वर्क कर रहा है, पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। कुछ जेपीजी फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो कुछ फाइल आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो फाइल काम कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन सेंड वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन मिलेगा, कॉपी पे क्लिक कर देना है। इंटरनल स्टोरेज में आप कोई भी दूसरे फोल्डर में इसको सेव करके रख ले, वहाँ पे नहीं रखना, अगर वहाँ पे रखिएगा तो बार बार प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो फाइल आपका यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसका एक ऑप्शन ये भी है कि जो भी फाइल आपका काम नहीं कर रहा उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको सेंड में जाना है। और अगर आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव है तो उस गूगल ड्राइव में इसको सेंड कर लेना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी करप्टेड फाइल होगा वो वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और वो सही से वर्क करना चालू हो जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।